लुधियाना के फिरोजपुर रोड विखे नारायण सेवा संस्था वालों लुधियाना विकलांगहीन लोगों लई वड्डा उपराला संस्था वालों किया गया। 650 के करीब नकली अंग है जिहड़े वंडे गए। दस्सिए कि मीडिया नाल गलबात करदिआं इस कैंप बारे जानकारी है जिहड़ी सांझी की गई है। लुधियाना लाइव लई टिंका चाट की रिपोर्ट। नारायण सेवा संस्थान द्वारा आज आर्टिफिशियल लिंब मेजरमेंट कैंप है, जिसमें ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जहां बहुत सारे पेशेंट्स किसी घटना की वजह से या किसी कारण से अपने हाथ या पांव कटवा चुके हैं, खो चुके हैं, तो नारायण सेवा संस्थान जाकर उनका मेजरमेंट लेती है। और जब आर्टिफिशियल हैंड्स और लेग्स का मेजरमेंट लेने के 2 या 3 महीने बाद में पुनः यहीं आकर इनको आर्टिफिशियल लिम्ब्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो लोग उदयपुर तक नहीं पहुँच पाते हैं या जो चलने में असमर्थ है, जिनके हाथ काम नहीं करते हैं, वो पर्सन भी एक साधारण जीवन जी सकता है जब उसके आर्टिफिशियल हैंड्स और लेग्स लग जाते हैं। तो ये कार्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा विगत 30 से 40 वर्षों से कंटिन्यूस हो रहा है। ऑपरेशंस भी करते हैं जिनमें करेक्टिव सर्जरी होती है। प्रतिदिन वहाँ सैकड़ों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं जिनकी ओपीडी का कार्य होता है। डेली के 50 से 60 ऑपरेशंस वहाँ करेक्टिव सर्जरी के होते हैं। और भी नारायण सेवा संस्थान मास वेडिंग सेरेमनी का काम करती है, लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि केवल शारीरिक विकलांगता ही नहीं मानसिक विकलांगता दूर करने के लिए भी वहाँ मोबाइल प्रशिक्षण का काम किया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है, लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया? साहब, हमारे लुधियाना में आज यह हमने देखा है लगभग 650 पेशेंट्स अभी तक हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक 850 पेशेंट्स हमारे पास होंगे जिनके सबके मेजरमेंट हो चुके होंगे। सर, हमारी टीम लास्ट में एक भी पेशेंट नहीं रहेगा, तब तक हमारी टीम यहीं पे है। चाहे रात को 11 बजे 12 बजे हमारी टीम यहीं रहेगी, हम एक भी पेशेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, उसका कार्य पूरा होगा। अगर जो ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं उन सबको हमने रिक्वेस्ट किया है आप इसी वीक में उदयपुर आ जाइए, आप सबका ऑपरेशन भी हो जाएगा, डायग्नोसिस उनका हो चुका है। अगर उनका फिजिकली फिटनेस आती है, सभी टेस्टिंग अगर फिट आती है, तो ऑपरेशन उनका नारायण सेवा में उदयपुर में हो जाएगा। थैंक यू। ये साड़ियां सरकारां दी सपोर्ट दे नाल ही सारा चलता है, पर उहदे नाल नाल जो इन्हां दी अपनी डेडिकेशन हैगी आ अंडर CSR जां अपने एसेट्स दे थ्रू, जिस तरीके नाल इह नारायण सेवा समिति ने अज इत्थे इक कैंप लाया जिस आर्टिफिशियल लिम फ्री ऑपरेशन बच्चों नूं फ्री एजुकेशन, मतलब कई तरीके दे इन्हां दे इत्थे इवेंट्स हैगे ने उदयपुर दे विच। इन्हां दे इत्थे बड़ा डेडिकेशन दे नाल इन्हां ने अज टीम ने इत्थे अज वंदना भैन जी खड़े ने साडे जो कि डायरैक्टर ने इस नारायण सेवा समिति दे, राकेश जी हैगे ने नाल, वो सारी इन्हां दी डायनामिक टीम जिन्हां ने तुसीं देखो किड्डे सुचजे ढंग नाल, कोई इत्थे बेनिजमी नहीं है, सब पीसफुली अपना काम करवा रहे ने, लिम्स लगवा रहे ने और हर चीज़ का इन्हां दा डाइट हर चीज़ का इत्थे ध्यान रखा जा रहा। इस करके एक बहुत ही यह एक श्लाघायोग कदम है और मैं तुहाडे माध्यम दे राही अपने सत्कारयोग मीडिया दे माध्यम दे राही असी अपनी इंडस्ट्री नूं जिथे जिथे भी CSR वाले ने साडे उद्योगपति ने वड्डे भरा ने और बाकी बहुत डेडिकेशन है साडे खड़े ने अपने सिंगल साहब जिन्हां ने कि CSR दे विचों भी फंड दित्ता। इस इन्हां दी तरजाई दे उत्ते हो मैं सारी इंडस्ट्री दे होर जिन्ने भी साडे CSR पे करदे ने उहनां नूं मैं तुहाडे माध्यम राही बेनती करांगा, वध तों वध आपां ऐसे नोबल कम्मां दे विच आपां मानवता नूं सेवा दे विच आपां हिस्सा पाइए। जो लोग चल फिर नहीं सकते उस संस्था जो पैरों से खड़े कर रही है, तकरीबन 800 के करीब आज इन्होंने रजिस्ट्रेशन हुई है, 650 के करीब तो मैं पता किया मैडम तो मतलब हो गया, तो बहुत अच्छा एक शलाघा योग कदम। थैंक यू।